अस्सलाम वालेकुम जी, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है रेजिस्टेड मूवमेंट्स। रेजिस्टेड मूवमेंट हमारा चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है, मैनुअल थेरेपी की बुक से टॉपिक है। इसकी रिक्वेस्ट आई थी, कमेंट में किसी स्टूडेंट ने मेंशन किया था, तो इसलिए मैं फर्स्ट प्रायोरिटी पे सबसे पहले ये टॉपिक कवर करवा रही हूँ। तो रेजिस्टेड मूवमेंट यूजली हम लोग परफॉर्म करते हैं कुछ हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर्स की एवेल्युएशन के लिए। अब वो कौन से स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी हम लोग एवेल्युएशन करना चाह रहे हैं, जिनको हम चेक करना चाह रहे हैं, एवेल्युएट करना चाह रहे हैं कि उनका स्टेटस कैसा चल रहा है, आइदर वो फंक्शनिंग में है या नहीं है, या वीक हैं, या वो किस तरह से अफेक्टिव है, ये चीज़ हम लोग चेक करना चाह रहे हैं। तो इसके लिए हम लोग परफॉर्म करने वाले हैं रेजिस्टेड टेस्टिंग। आप लोगों को काफ़ी हद तक आइडिया होगा, काइनेजोलॉजी आप लोगों ने पढ़ी है। रेजिस्टेड मूवमेंट्स होती हैं ऐसी मूवमेंट्स जिसमें हम लोग पेशेंट को रेजिस्टेंस दे रहे होते हैं। मतलब लेट सपोज पेशेंट कोई ऐसे मूवमेंट परफॉर्म कर रहा है, पेशेंट अपनी आर्म को यूं लिफ्ट कर रहा है और दूसरी तरफ थेरेपिस्ट जो है वो पेशेंट को लिफ्ट नहीं करने दे रहा, वो रेजिस्ट कर रहा है, वो उसको रोक रहा है ये मूवमेंट परफॉर्म करने से, तो हम उसको बोलेंगे रेजिस्टेड मूवमेंट। एक्टिव मूवमेंट वो होती है जो पेशेंट खुद ही परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, ये है विदाउट फोर्स मूवमेंट, ये होती है एक्टिव मूवमेंट। पैसिव मूवमेंट वो होती है कि पेशेंट खुद मूवमेंट परफॉर्म नहीं कर पा रहा होता तो हम उसको सपोर्ट दे के मूवमेंट करवाते हैं, तो वो होती है पैसिव मूवमेंट। और रेजिस्टेड मूवमेंट ऐसी मूवमेंट होती है जिसमें हम पेशेंट को रेजिस्टेंस दे रहे होते हैं, उसके अगेंस्ट मूवमेंट के अगेंस्ट फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं। तो अब ये वाली मूवमेंट आपको पता है हम लोग न्यूरोमस्कुलर जो स्ट्रक्चर्स हैं उसकी इंटेग्रिटी को चेक करना चाह रहे हैं, मतलब न्यूरोमस्कुलर स्ट्रक्चर्स प्रॉपरली फंक्शनिंग में हैं या नहीं है, नर्व्स मसल को प्रॉपरली सप्लाई कर रही है या नहीं कर रही, ये चीज़ चेक करना चाह रहे हैं। दूसरी चीज़ हम कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स का स्टेटस चेक करना चाह रहे हैं। कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स भी आप लोगों की थेरेप्यूटिक्स की बुक में प्रॉपर कॉन्सेप्ट दिया गया है कॉन्ट्रैक्टाइल स्ट्रक्चर्स और नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल का, तो ये चीज़ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिर आ जाता है स्टेटस ऑफ एसोसिएटेड जॉइंट्स एंड वैस्कुलर सप्लाईज, यानी हमारा वो जो मसल्स का एरिया है जिस भी मसल को हम लोग चेक कर रहे हैं वहाँ पे जो एसोसिएटेड जॉइंट्स हैं उनका क्या स्टेटस है, ये चीज़ चेक करना चाह रहे हैं। और वहाँ पे वैस्कुलर सप्लाई प्रॉपरली आ रही है या नहीं आ रही, ये चीज़ चेक करना चाह रहे हैं। यानी तकरीबन सब कुछ ही हो गया। अपने किसी भी बॉडी के पार्ट को देख लें, वहाँ पे क्या होता है, मसल्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट्स में आ जाते हैं, फिर जॉइंट्स होते हैं, उसके अलावा और क्या होता है, वैस्कुलर सप्लाई होती है, न्यूरोमस्कुलर सप्लाई होती है। तो न्यूरोमस्कुलर स्टेटस भी चेक करना चाह रहे हैं, एसोसिएटेड जॉइंट्स का स्टेटस भी चेक करना चाह रहे हैं, वैस्कुलर सप्लाई, और हम लोग क्या चेक करना चाह रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल एलिमेंट का स्टेटस। स्पाइनल मसल्स को टेस्ट करना एक्सट्रीमिटी के मसल्स की निस्बत जो है वो यूजुअली मुश्किल होता है, तो इसकी दो रीजंस हैं। फर्स्ट रीज़न इसकी ये है कि स्पाइनल जो मसल्स होते हैं ना वहाँ पे नर्व्स की ओवरलैपिंग होती है, किस तरह से कि मतलब एक ही मसल है उसको कोई सी दो नर्व सप्लाई कर रही है, या एक ही नर्व है वो मल्टीपल मसल्स को सप्लाई कर रही है, तो वहाँ पे मसल्स की जो है वो नर्व सप्लाई की ओवरलैपिंग हो रही होती है, जिसकी वजह से हम लोग एक सिंगल मसल को आइसोलेट नहीं कर सकते। मतलब एक नर्व आ रही होती है वो जो कई मसल्स को सप्लाई कर रही होती है, तो हम लोग किसी भी एक मसल को आइसोलेट नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग हमारे लिम्स में ये चीज़ पॉसिबल होती है, इसलिए स्पाइनल मसल्स को टेस्ट करना मुश्किल है। जब आप एक मसल को आइसोलेट नहीं कर सकते तो आप उसको अकेले में टेस्ट भी नहीं कर सकते। सेकंड रीज़न ये होती है कि जब हम कभी भी स्पाइनल मसल्स को रेजिस्टेंस टेस्ट परफॉर्म करवा रहे होते हैं तो स्पाइनल मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है। आपको पता है जब भी रेजिस्टेंस मूवमेंट होती है रेजिस्टेंस वाली, तो कॉन्ट्रैक्शन होती है मसल की, मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है ना, तो मसल की जब कॉन्ट्रैक्शन होती है तो उस कॉन्ट्रैक्शन के रिस्पॉन्स में हमारे जॉइंट पर एक कंप्रेशन फोर्स आ रही होती है, तो कंप्रेशन फोर्स की वजह से जॉइंट पे आया है कंप्रेशन। और अगर पेशेंट के जॉइंट में कंप्रेशन आ जाते हैं तो समटाइम्स आपको पता है कंप्रेशन की वजह से सिम्टोमेटिक हो जाता है, पेशेंट सिम्टम्स प्रोड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, तो इसलिए ये दोनों चीज़ें जो है वो यूजुअली दो रीजंस की वजह से जो है हमारे पास स्पाइनल मसल्स को टेस्ट करना मुश्किल होता है। क्योंकि अगर पेशेंट को सिम्टम्स आ गए तो वो सिम्टोमेटिक हो जाएगा, वो हमें प्रॉपरली अपना काम करने ही नहीं देगा, इसलिए ज़रूरी होता है कि हम लोग पहले मसल्स को टेस्ट करने से पहले हम पहले जॉइंट का स्टेटस चेक कर लें कि अगर वहाँ पे कंप्रेशन है तो फिर हम लोग रेजिस्टेड टेस्ट परफॉर्म ना करें, क्योंकि रेजिस्टेड टेस्ट में भी कंप्रेशन फोर्स जनरेट होगी मसल के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से, तो पेशेंट को पेन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी और फिर वो तंग होगा। अच्छा जी, हमारे पास तीन तरीके हैं जिसकी वजह से हम लोग रेजिस्टेड टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं। कैसे, हम लोग मैनुअल मसल टेस्टिंग के थ्रू कर सकते हैं। मैनुअल मसल टेस्टिंग मतलब जो थेरेपिस्ट है वो मैनुअली फोर्स अप्लाई कर रहा है पेशेंट को और फिर उसके जॉइंट्स का जो है वो मसल्स का स्टेटस चेक कर रहा है। दूसरा, हमारे पास कुछ मशीन्स होती हैं, मशीन्स के थ्रू हम लोग कर सकते हैं। मशीन्स में क्या है, टेंसियोमीटर का नाम है वेरियस आइसोकाइनेटिक डिवाइसेस। काइनेटिक डिवाइसेस क्या होती हैं, आइसोकाइनेटिक डिवाइसेस ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो मूवमेंट करवा रही होती हैं सेम स्पीड पे, ठीक है। आइसो मीन्स सेम, काइनेटिक मीन्स स्पीड, ठीक है, मूवमेंट से निकला है, तो मतलब सेम स्पीड पे मूवमेंट करवा रही होती हैं। अच्छा जी, दो चीज़ें हो गई, एक तो मैनुअल मसल टेस्टिंग मतलब थेरेपिस्ट रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहा है, दूसरा है मशीन्स, तीसरा है पीएनएफ।
PNF बेसिकली क्या है? PNF है स्पेसिफिक फंक्शनल टेक्निक्स होती हैं, ये प्रोप्रियोसेप्टिव न्यूरोमस्कुलर फंक्शनल टेक्निक्स। PNF का भी प्रॉपर टॉपिक जो है वो थेरेप्यूटिक्स की बुक में है, तो अभी के लिए आपको सिर्फ नाम याद रखना ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा जी, फिर क्या होता है, व्हेन टेस्टिंग स्पाइनल मसल परफॉर्मेंस विद मैनुअल रेजिस्टेंस, यानी यूजुअली हम लोग जब मैनुअल रेजिस्टेंस के साथ पेशेंट का मसल चेक कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे मसल कॉन्ट्रैक्शन को हम लोग बेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे? पेशेंट जो है वो लेट सपोज़ अपनी बाइसेप की मूवमेंट यू परफॉर्म कर रहा है, अपनी आर्म को लिफ्ट कर रहा है, तो क्या होगा, हम लोग जब खुद से रेजिस्टेंस अप्लाई कर रहे होंगे तो हम लोग इसकी मसल की कॉन्ट्रैक्शन को बेस्ट कंट्रोल कर सकते हैं कि हमने कितनी फोर्स अप्लाई करनी है और कितनी अप्लाई नहीं करनी, ये हमारे कंट्रोल में होता है। जबकि मशीन्स में हमारे कंट्रोल में ऐसा कुछ भी नहीं होता, मशीन्स अपने हिसाब से ही फोर्स अप्लाई कर रही होती हैं, लेकिन यहाँ पर जब हम लोग मैनुअली कर रहे होते हैं, हम लोग अपने हिसाब से कर सकते हैं कि स्टार्ट पे हमने कम फोर्स लगानी है, बाद में ज़्यादा लगानी है, क्या सीन करना है वो हमें पता होता है। अच्छा जी, पेशेंट इसमें अटैम्प्ट करता है कि वो होल्ड करके रखे इन रिस्पॉन्स टू योर इंस्ट्रक्शंस, यानी हम लोग जो भी इंस्ट्रक्शंस करें उसके रिस्पॉन्स में वो वही मूवमेंट परफॉर्म करेगा। लेट्स सपोज हम कहते हैं डोंट लेट मी मूव यू, कि इसका मतलब यही है कि आप मुझे अपनी मूवमेंट ना परफॉर्म करने दो। लेट्स सपोज पेशेंट यू मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, तो हम उसको नीचे को रेजिस्ट कर रहे हैं, तो पेशेंट ने होल्ड करके रखनी होती है अपनी मूवमेंट, ना वो ऊपर जा रहा है ना वो नीचे जा रहा है, अपने आप को एक प्रॉपर होल्ड करके रखा हुआ है। या हम पुश और पुल के बारे में भी कह सकते हैं कि डोंट लेट मी पुश यू या डोंट लेट मी पुल यू, ठीक है। अब पेशेंट को हमारी फोर्स के अगेंस्ट अपने आप को होल्ड करना होता है। अब सिरिक्स क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू सिरिक्स जो रेजिस्टेड टेस्ट होते हैं, इसमें हमारे पास मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन आती है वो मैक्सिमल मसल कॉन्ट्रैक्शन आती है, और हमारा जो जॉइंट होता है उसको हमने रेस्टिंग पोजिशन में रखना होता है, ठीक है। यानी हमारा जॉइंट रेस्टिंग पोजीशन में होगा और दूसरी तरफ हमारा जो मसल होगा वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होगा। अब हमने अपने ये चीज़ का हमेशा ख्याल रखना है कि जब कभी भी हम रेजिस्टेड मूवमेंट परफॉर्म कर रहे हैं, मूवमेंट हमारे जॉइंट पे प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर जॉइंट पे मूवमेंट प्रोड्यूस होगी तो कोई पता नहीं कि वो सोर्स ऑफ पेन जो है वो जॉइंट ही हो और पेशेंट के जॉइंट से पेन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाए और हमारा टेस्ट दरमियान में ही रह जाए। तो इसलिए हमने जॉइंट को रेस्टिंग पोजिशन में रखना होता है, जॉइंट का कोई अमल दखल ना हो और सिर्फ मसल की कॉन्ट्रैक्शन प्योरली अचीव कर सकें हम लोग, ठीक है। अब समटाइम्स ऐसा होता है कि हम लोग पेशेंट की जब मसल कंट्रैक्शन करा रहे होते हैं, सेम वही पॉइंट जो ऊपर भी डिस्कस हुआ था, तो वहाँ पे उस मसल की कंट्रैक्शन के रिस्पांस में जॉइंट पे माइल्ड सा कंप्रेशन आ जाता है और जॉइंट पे माइल्ड सा ग्लाइडिंग इफेक्ट आता है। अब कंप्रेशन और ग्लाइडिंग इफेक्ट की वजह से पेशेंट की जो पेन है वो दोबारा से एक्टिव हो जाती है, पेशेंट की पेन दोबारा से स्टार्ट हो जाती है और हमें उसकी वजह से अपना टेस्ट लिमिट करना पड़ता है, हमें अपना टेस्ट रोकना पड़ता है। तो इसके लिए बेहतरीन तरीका ये होता है कि हम लोग मसल्स का स्टेटस चेक करने से पहले हम जॉइंट में कॉम्प्रेशन टेस्ट परफॉर्म कर लें। आप लोगों को पता होगा जो लोग मेरे लेक्चर लेते हैं, कॉम्प्रेशन टेस्ट होता है, ट्रैक्शन टेस्ट होता है। कॉम्प्रेशन टेस्ट जॉइंट्स पर जब भी हम परफॉर्म कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है सिम्टम्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। दूसरी तरफ ट्रैक्शन टेस्ट होता है, तो हमने कॉम्प्रेशन टेस्ट परफॉर्म करके देख लेना है, अगर उससे पेशेंट की पेन बढ़ रही है तो हमारे रेजिस्टेड टेस्ट की कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि जब भी रेजिस्टेड टेस्ट परफॉर्म करेंगे मसल की कॉन्ट्रैक्शन होगी, जॉइंट पे कंप्रेशन आएगा, पेशेंट की पेन एक्टिव हो जाएगी, तो इसलिए इसकी फिर तब वैल्यू नहीं रह जाएगी अगर कॉम्प्रेशन टेस्ट सेपरेट अगर हम परफॉर्म करके देखें और वो भी पॉजिटिव आ रहा हो। तो यहाँ पे सिरिक्स की जो इंटरप्रिटेशन है वो हमारे पास यहाँ पे दिखाई गई हैं, ये आप लोगों को टेबल यूजुअली पेपर में पूछा जाता है कि सिरिक्स की इंटरप्रिटेशन जो है वो बताएं, रेजिस्टेड टेस्ट की रिस्पॉन्स में क्या इंटरप्रिटेशन आती है, तो ये पता होनी चाहिए आप लोगों को। सबसे पहले है हमारे पास चार चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं, पेनफुल एंड स्ट्रॉन्ग, पेनफुल एंड वीक, पेनलेस एंड स्ट्रॉन्ग एंड पेनलेस एंड वीक। अब पेनफुल और स्ट्रॉन्ग का मतलब है कि पेशेंट को पेन तो है लेकिन मसल उसके स्ट्रॉन्ग भी हैं, तो इट्स मीन माइनर लीजन है, कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, तो माइनर लीजन ऑफ मसल और टेंडन, यानी मसल या टेंडन की कोई माइनर सी लीजन हो गई है। अच्छा जी, फिर आ जाता है पेनफुल एंड वीक। पेनफुल एंड वीक का मतलब है कि पेशेंट को पेन है और वीक भी है मसल्स, तो इट्स मीन मेजर लीजन है मसल की या टेंडन की, ठीक है। अगर पेनफुल है तो और साथ में स्ट्रॉन्ग है तो माइनर लीजन है, पेनफुल है और वीक है तो मेजर लीजन है। अब है पेनलेस एंड वीक। पेनलेस एंड वीक का मतलब ये है कि कोई न्यूरोलॉजिकल लीजन है या कंप्लीट रप्चर ऑफ मसल और टेंडन है, क्योंकि देखो अगर आपके पास जो है वो न्यूरोलॉजिकल लीजन हुई होती है, कोई भी नर्व आपकी मसल को प्रॉपरली सप्लाई नहीं कर रही होती, तो आपने नोटिस किया होगा कि आपकी जो मसल बैली है वो भी लॉस हो जाती है और उसके अलावा मसल में स्ट्रेंथ भी नहीं रहती अगर नर्व सप्लाई मिस हुई हो। जैसे कि हमारे पास
हम एग्जांपल ले लेते हैं कि रेडियल नर्व की लियन हो गई है, ठीक है, तो रेडियल नर्व के डैमेज में क्या होगा, आपका जो मसल है, जो रेडियल नर्व जिस मसल को सप्लाई कर रही थी उसका फंक्शन भी चला जाता होता है, यानी वो वीक हो जाएगा और उसके अलावा उसका बल्क भी नहीं रहता। तो पेनलेस एंड वीक का मतलब है कि पेन भी नर्व की वजह से ही हमें एक रिस्पॉन्स फील हो रहा होता है ना, तो पेनलेस एंड वीक मतलब न्यूरोलॉजिकल लियन आ गई है मसल में या कंप्लीट रप्चर हो चुका हुआ है मसल, ठीक है। पेनलेस एंड स्ट्रॉन्ग का मतलब ये है कि नॉर्मल, पेनलेस मतलब पेन ही नहीं है और स्ट्रॉन्ग भी है तो ये नॉर्मल है। तो ये चार इंटरप्रिटेशन है, बहुत सिंपल है, ज़रा समझ के आप लोगों को पढ़नी होंगी तो आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। हमारा शॉर्ट सा टॉपिक था जिसको मैंने बहुत डिटेल से एक्सप्लेन कर दिया है, समझ आ गया हो तो कमेंट में बताइएगा, नहीं समझ आया तो भी बताइएगा। और यहीं पे मैं अपनी वीडियो एंड करती हूँ और डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक भी दिया हुआ है, ज़रा उससे भी जाके देख लीजिएगा और फॉलो करिएगा। कोई और टॉपिक की रिक्वेस्ट हो तो वो भी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़ जी।